अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिल्वादी चूर्ण के बारे में, आपको जानकारी देंगे और पेट रोगों की बहुत ही जबरदस्त और इफेक्टिव दवाई है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये आयुर्वेद की जो है क्लासिकल दवाई है, यानी आयुर्वेद की ज़्यादातर कंपनियाँ इसको बनाती हैं। फिलहाल मेरे पास में बैद्यनाथ का है बिल्वादी चूर्ण, और आपको ये पतंजलि का और इसके अलावा भी जितनी भी कंपनियाँ हैं ओझा वगैरह सबका मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्वादी चूर्ण डायरिया होने की समस्या, आँव का आना, पेचिस जैसे पेट रोगों में फायदेमंद है, और संग्रहणी या संग्रहणी में जो कब्ज भी हो सकता है या संग्रहणी में दस्त लगने की समस्या तो उसमें काम करता है। बात करते हैं दोस्तों पहले इसके नुस्खा कंपोजिशन के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, फिर बाद में इसके फायदे के बारे में और लेने के तरीके के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों बेलगिरी का इस्तेमाल किया गया, इसका जो जुजे खास है मेन कंटेंट है तो वो बेलगिरी है। और इसके अलावा मुस्ता, सौंठ, मोचरस, धाय के फूल, सौंफ और धनिया के मिश्रण से इसे बनाया गया है। दोस्तों ये जो पाचन शक्ति वर्धक है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है और आंतों की सूजन को दूर करता है। आंतों में सूजन के कारण बार बार पेचिस की समस्या हो सकती है या संग्रहणी की समस्या हो सकती है, और पेट की गैस को भी कम करता है। पेट में जो गैस बनने की जो समस्या है तो उसे ये ठीक करता है, एसिडिटी को खत्म करता है, एसिडिटी नहीं बनने देता है। और डायरिया किसी भी प्रकार का हो बिल्वादी चूर्ण उसमें काम करता है, जैसे आंतों को ये ताकत देता है, आंतों की कमजोरी के कारण जो है कई बार दस्त लग बार बार जो है दस्त लगने की समस्या होती है तो उसको ठीक करता है, आंतों की मूवमेंट को ठीक करता है, और ये आंतों की सूजन को भी जैसे मैंने बताया कि दूर करता है, आंतों में जो सूजन आ जाती है और आंतों के इन्फेक्शन को भी ये खत्म करता है, जिसके कारण पेचिस, संग्रहणी, पेट में दर्द का होना या पेट में बार बार जो है दर्द होना, और इसके अलावा आँव का आना, बार बार दस्त होना और मरोड़ होना, और आँव भी आती है कुछ लोगों को और कई बार तो खून आने लगता है जो है आँव के साथ में। तो इसके अलावा आंतों की बीमारी जो है कोलाइटिस के लिए भी इसे फायदेमंद या मुफीद माना जाता है, और LBS में भी जो है इसे कभी कभी दस्त और कभी कभी कब्ज रहती है जिस LBS में, तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और पेट में दर्द रहना और पेट का फूलना, दस्त के साथ आँव आना जैसी समस्या ज़्यादा होती है LBS में, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अक्सर जो है LBS में, तो इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है और कुठ जरिष्ठ के साथ में इसे दिया जाता है। और तो ये तो इसके कुछ फायदे हैं, बात कर लेते हैं इसके लेने के तरीके के बारे में, तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो 2 से 3 ग्राम तक दिन में 2 बार छाछ के साथ में, मट्ठे के साथ में या पानी के साथ में, ताजे पानी के साथ में इसको लिया जाता है। और परहेज करना बहुत जरूरी होता है खासतौर से पेट रोगों के बारे में। और बैद्यनाथ का 60 ग्राम का पैक है और 120 रुपये के आसपास में, 120 रुपये में आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर या किसी भी हकीम से सलाह लेकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा बिल्वादी चूर्ण के बारे में, और वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।